नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैं आपकी कुंडली को देखती हूँ, कुंडली में क्या कुछ आपको बता रहा है। सबसे पहले आपकी कुंडली जो है वृष लगन की है और राशि आपकी सिंह राशि बनती है ना, टॉरस लगन और लियो मून साइन, सन साइन आपका कुंभ राशि है। तो देखिए आपका जो कुंडली में मेन पहले प्लस पॉइंट देख लेते हैं। देखिए आपकी कुंडली में जो पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है तो गुरु उच्च का है आपका। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है, एक आपका बुद्धादित्य योग बन रहा है, उसमें भी कहाँ बन रहा है तो आपके केंद्र में बन रहा है, रोजगार के घर में बन रहा है। उसके बाद मंगल आपका उच्च का है कुंडली में, ठीक है। तो मंगल उच्च, गुरु उच्च, बुद्धादित्य योग, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है आपका। उसके बाद देखिए आपका जो ये है आपका लग्नेश, लग्नेश आपका 8th हाउस में गया है। 8th हाउस शनि का होता है, शुक्र का मित्र ग्रह होता है ये, तो यहाँ शुक्र अच्छा ही फल देता है बट है शत्रु राशि में। अब निगेटिव पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट आपका क्या हो गया है, यहाँ पे विष योग और ग्रहण योग बना के बैठा हुआ है राहु के साथ चंद्र और शनि। चंद्र राहु ग्रहण योग हो गया, शनि और चंद्र विष योग हो गया। तो आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानी आएगी वो इसी के वजह से आएगी, तो इसकी रेमेडीज करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे से जब बात करना तो मुझे बोलना, विष योग और ग्रहण योग की रेमेडीज बताने मैं आपको बता दूंगी। बाकी कुंडली में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूछा है आपका मैरिज लाइफ, अगर कुंडली के अकॉर्डिंग देखते हैं तो काफ़ी अच्छी रहेगी। हाँ, लेकिन गुरु यहाँ पे आपको 25% ही रिजल्ट देगा, क्योंकि 7 डिग्री पे है गुरु को, बाल्यावस्था में है। तो देखिए इसकी जो 5th दृष्टि पड़ रही है आपके मैरिज लाइफ पे, तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सपोर्टिव रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। गुरु की मंगल की दृष्टि पड़ रही है एक दूसरे पे, जो कि सम्राट योग बना रहा है, ये भी बहुत अच्छा योग है। आपको टीचिंग लाइन हो गया, आपको प्रोफेसर हो गया, टीचिंग हो गया, जज हो गया, आध्यात्मिक लाइन हो गया, यहाँ से आपका रोजगार वगैरह हो सकते हैं, लाभ भी वहीं से होगा। और गुरु अपने 11th हाउस पे नजर डाल रहा है, उसमें भी मीन राशि है ना बैठा हुआ, तो ये भी अच्छा है, यानी कि आपकी कुंडली में अच्छा है। गुरु अच्छा फल देगा, मंगल अच्छा फल देगा, शुक्र अच्छा फल देगा और शनि भी अच्छा फल देगा, सुविधा में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन क्या है ना, इसकी दृष्टि भी तो पड़ रही है सूर्य पे ना, तो पिता के सुख में कमी करता है, आपको रोजगार संबंधी परेशानी देगा। लेकिन योग कारक है ग्रह आपके लिए, क्योंकि आपकी कुंडली अगर देखा जाए तो वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन की कुंडली में शनि योग कारक होते हैं, क्योंकि शुक्र इसके स्वामी होते हैं और शुक्र शनि में घनिष्ठ मित्रता है इस वजह से। और इसमें क्या, चंद्र की भी दृष्टि पड़ी है, तो मिली जुली कुंडली है, लेकिन इसकी रेमेडीज करनी बहुत ही जरूरी है। अब आइए आपका टाइम देखते हैं, कैसा टाइम चल रहा है आपका। गुरु की महादशा चल रही है आपकी, 2035 तक चलेगी गुरु की महादशा, और गुरु में अभी शनि की अंतरदशा शुरू हुई है ना, शनि की अंतरदशा 2023 तक परेशानी रहेगी। चलिए टाइम तो आपका ओवरऑल गुरु का महादशा चल रहा है तो अच्छा ही टाइम चल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी बट अच्छी टाइम चल रही है। नक्षत्र भी आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि अच्छा है। चलिए आपकी पाम पे आते हैं, आपका पाम क्या कुछ कहता है। देखिए सबसे पहले आपकी पाम को देखते हैं, तो पाम में क्या है ना, सबसे पहले आपकी पाम का शेप देखिए। पाम का जो कलर है आपका पिंक है, जो कि दूसरे पिक में मैंने देखा है, तो पिंक पाम बहुत ही शुभ और अच्छे पाम बोले जाते हैं। अच्छे धन और अच्छे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिंक पाम काफ़ी अच्छी पाम होती है। उसके बाद पाम आपका जो है ना स्क्वायरी है, जो कि अच्छे मेहनत करने वाले, देखिए सबसे आदर्श पाम जो है ना स्क्वायरी और रेक्टेंगुलर बोला जाता है। स्क्वायरी पाम इसलिए अच्छी बोलते हैं क्योंकि इसमें तीनों जोन बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली तीनों जोन बहुत अच्छे से डेवलप हैं आपके। पाम के कंपेरिजन फिंगरें बहुत लंबी हैं, जिस वजह से एनालिटिक पर्सनैलिटी होता है। एनालिटिक पर्सनैलिटी बोले तो कोई भी चीज़ में तर्क वितर्क बिना जड़ में जाए हुए उस काम को नहीं करना, कोई भी बात आप तक पहुँच गया तो उसके एंड तक जाएंगे ही जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करना ये चीज़ दिखाता है। और ड्रीम बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, पूरे भी करते हैं आप लोग, तो ये हो गया आपका। उसके सेटिंग देखिए, लो सेटिंग है ये जो है ना, ये लो सेटिंग आपको बहुत ही मेहनत कराता है लाइफ में, स्ट्रगल कराएगा, स्ट्रगल करके आप ऊपर उठेंगे, अपने आप को ग्रोथ करेंगे, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए अपनी जुपिटर की फिंगर और आपकी अपोलो फिंगर, देखिए जब भी जुपिटर फिंगर और अपोलो फिंगर दोनों बराबर हो जाए, जो कि आपके हाथ में है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपका एम्बिशन और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों बराबर मात्रा में होता है। क्या है ना कि कभी कभी होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण हम लोग अपना एम्बिशन छोड़ देते हैं और कभी एम्बिशन के कारण अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। ऐसी लाइफ में कभी कभी सिचुएशन आती है, बट आपकी पाम को देख के ऐसी लाइफ में कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी महत्वाकांक्षा, आपका एम्बिशन पूरा होगा, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। उसके बाद आपकी जो गुरु की फिंगर इतनी अच्छी है,
इस वजह से कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, निर्णय क्षमता बहुत अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होगा, अपनी फैमिली का अच्छा सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख, बच्चों का सुख, इन सभी सुखों में कोई कमी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल गुरु अच्छा है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा होता है इन लोगों को। गुरु देखिए, गुरु जब भी आपका कुंडली में उच्च का हो जाए तो हायर एजुकेशन को बताता है, क्योंकि गुरु विजडम का होता है, आपके एजुकेशन नॉलेज का होता है जो कि आपका होगा, तो एजुकेशन अच्छा है। शनि की फिंगर भी अच्छी है, शनि की फिंगर अच्छी होने के वजह से आप में डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, कोई भी काम काम पे एकदम से टाइम पे करने की पंक्चुअलिटी जो होता है लाइफ में ना, कोई भी काम को एकदम से करना, टाइम पे करना, लाइक आर्मी मैन के टाइप से, ये अच्छा होता है, तो ये आप में गुण होगा। और न्यायप्रिय होंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा खर्चीले स्वभाव को बताता है और इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है, किसी का हस्तक्षेप, किसी का रोक टोक लाइफ में नहीं पसंद आता है। सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होता है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीते हैं, जहाँ भी जीते हैं लाइफ में अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। बुध की फिंगर अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होगा आपका, मार्केटिंग स्किल, कॉन्विंसिंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, अट्रैक्शन, प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट खास करके, है ना, ये सब बहुत अच्छा होता है, कहाँ पे कितना रुपया खर्च करना चाहिए, कहाँ पे अपनी बजट को देखते हुए, मतलब ये जो क्वालिटी होती है ना, ये आपको बुध देता है, तो बुद्धि बहुत अच्छी है आपकी। अब कुंडली में भी आपका बुद्धादित्य योग बन रहा है। अब देखिए थंब आपका कितना अच्छा है, थंब में देखिए एकदम बिल्कुल से मूव किए हुए हैं पीछे की ओर, तो ये जो मूव है ना, ये मूव बताता है कि एडजस्टेबल नेचर, कहाँ पे आगे जाना है, कहाँ पे पीछे कदम करना है, ये आपको अच्छी तरह से आता है, और बहुत ही कार्यों के प्रति जिद रहता है, जुनूनी टाइप में होते हैं ना, कि ये काम करना है तो करना, स्टेबिलिटी लाइफ में रहती है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए नुकीली होने के बाद जिद, पहला पोरवा और दूसरा पोरवा बराबर है, तो विल पावर भी अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है, लॉजिक के साथ कार्यों को इम्प्लीमेंट करना जो कि अच्छी बात होती है वो आप करते हैं। चलिए आपकी माउंट देखते हैं, गुरु की माउंट, देखिए गुरु की माउंट का स्पेस भले छोटा है आपका थोड़ा सा, तो शादी वगैरह में थोड़ी लेट होगी। अच्छा आपने सवाल भी किया है ना, आपके सवाल को भी मैं ले लेती हूँ एक सेकंड। आपने पूछा माई मैरिज लाइफ, तो आपकी मैरिज लाइफ सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी हाँ, और हस्बैंड आपके अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मतलब हो सकता है टेक्निकल फील्ड में हो, क्योंकि 8 नंबर है 7th हाउस में, तो टेक्निकल फील्ड में हो, इंजीनियर वगैरह हो, ठीक है। किड्स अच्छे रहेंगे, जितना चाहो उतना आप कर सकते हो, किड्स की कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर अच्छा है। देखिए स्पिरिचुअल तो आप हैं, आध्यात्मिक तो हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आध्यात्मिक हैं, ठीक है। आप देखिए गुरु की माउंट देख, सारे सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आप पूरे हाथ का एनालिसिस जब सुनेंगे तो। देखिए आपका जो है ना, ये इस तरह से लाइनें हैं तो ये काइंड नेचर को बताता है, दयालु नेचर के होते हैं, इसे जाते बहुत ही दयालु होते हैं, दयावान होते हैं, और पैसे की कमी, वेल्थ की कमी नहीं होती है। और देखिए अभी क्रॉस बहुत कम एज में आपका बना हुआ है, उसके बाद फिर क्रॉस लाइन मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता पिक्चर अच्छा नहीं आया हो। अब आइए देखिए शनि का अमाउंट, शनि के अमाउंट में क्या है यहाँ पे, देखिए शनि का माउंट थोड़ा उभर गया है, उभरा क्यों है, ये अकेला रहने की आदत बताता है, ऐसे जातक अकेला रहना थोड़ा आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि कार्यों को आप टाइम पे करना चाहते हैं लेकिन डिले हो जा रहा होगा आपका, ये थोड़ा मुझे उभार नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ है। अभी सोर्स ऑफ इनकम एक ही होगा, वो भी बहुत दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे दिक्कत है शनि का, जैसा कि विषयोग भी कुंडली में बन रहा है, तो देखिए हाथ से भी दिख रहा है ना, तो शनि की रेमिडीज करनी ज़रूरी है। अब आइए सूर्य, देखिए सूर्य रेखा तो यहाँ से निकली हुई है जो कि अच्छी बात है ना, यहाँ से निकली है और यहाँ पे एक आपको फिश का सिंबल की आकृति बना रही है, जो कि ये तो आप बोले तो मल्टी मिलीनियर साइन बोले जाते हैं, और गवर्नमेंट से ऐसे जातक को बहुत फ़ायदा होता है, अगर नेम फेम का भी काम करते हैं उसमें भी फ़ायदा होता है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइन है, तो बेसिक नॉलेज भी अच्छी है, जैसा कि कुंडली में गुरु अच्छा है तो बेसिक नॉलेज तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी ही। उसके बाद यहाँ से एक लाइन आपके शनि पे जा रही है, तो टेक्निकल फील्ड में अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपका अच्छा रहेगा। और उसके बाद बुध पे भी देखिए इस प्रकार से लाइनें हैं, तो ये अच्छी नेचर को बताता है, अच्छे मतलब नेचर, केयरिंग नेचर को बताता है, प्लस एनर्जेटिक नेचर को बताता है, एनर्जेटिक तो आप चाहते होंगे। उसके बाद देखिए बुध भी सही है, बाहरी मंगल अगर देखा जाए तो बाहरी मंगल अच्छा है आपका, लेकिन ये मल्टीपल लाइनें हैं जो कि बहुत सारी यात्रा को तो बताते हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए या तो काम करते हैं नहीं तो लाइफ में कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता है ना, ये लाइनें हैं, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ये क्यों है, ठीक है। या तो आपके घर में कोई कोर्ट कचहरी लगातार जाते हैं, वकील हो घर में, कोई जज हो, लाइक इस तरह का कोई प्रोफेशनल हो तो कोई बात नहीं है, बट कोर्ट कचहरी का थोड़ा दिक्कत है आपके हाथ में। उसके चंद्र भी देखिए, चंद्र पे मानसिक परेशानी तो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है तो मानसिक परेशानी
रहेगी आपको, विष योग का नहीं और ग्रह नियोग का जैसे ही रेमेडीज करेंगे वैसे ही अच्छा रहेगा। अंदरूनी मंगल आपका अच्छा है तो फिजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। क्या देखिए केतु माउंट, केतु माउंट पे फिश का साइन, ये सडन धन लाभ को बताता है। देखिए केतु माउंट पे क्या होता है ना, ये ऐसा हो तो सडन धन लाभ तो होता ही होता है, प्लस नेटवर्किंग से ऑनलाइन बिजनेस कोई करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलता है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा होने से देखिए शुक्र आपके लाइफ पार्टनर का होता है, जो कि आपने पूछा है लाइफ पार्टनर आपके अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, लग्जरियस लाइफ जियेंगे, आप खुद भी बहुत अट्रैक्टिव सुंदर होंगे, तो इन सभी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए राहु भी अच्छा है। अब देखिए आपका एक चीज़ मैं हाथ में बताना चाहती हूँ, माउंट जो है सो है, हाथ की रेखाएं आपकी सही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कुंडली में आपके बहुत अच्छे योग हैं, उच्च के गुरु हैं, उच्च के मंगल हैं, बट आपको रिजल्ट वो उस लायक नहीं मिल रहा है, एक तो डिग्री वाइज कमजोर है। दूसरी चीज़ की जब भी कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग होते हैं, अगर आपके कुंडली में उस राजयोग के बाद ग्रहण योग हो, विष योग हो, तो वो फलीभूत नहीं होने देते हैं, ज़्यादा पावरफुल ये योग हो जाते हैं, तो इसकी रेमेडी जरूरी है, जिस वजह से आपके हाथ की रेखाएं सही नहीं हैं। देखिए आपकी हाथ की रेखाएं अगर देखा जाए तो इस तरह से है, ये प्रैक्टिकल नेचर को बताता है, अंधा प्यार करने वाले ऐसे जातक होते हैं, अगर किसी से इनको लव हो गया प्यार, क्योंकि आपके हार्टलाइन लव इमोशंस को ही बताता है, अंधों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम अच्छा नहीं है हार्टलाइन, इमोशनली प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहेगी आपको, सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलेगा आपको। माइंड के अच्छे हैं, माइंड पे त्रिशूल का निशान है, तो ये अच्छी साइन है। ये अच्छी साइन क्या है, बुद्धि बहुत अच्छी है आपकी, प्रैक्टिकल भी है, काल्पनिकता भी रहेगी लाइफ में, माइंड लाइन कोई दिक्कत नहीं अभी तक, अगर आप सही हैं तो अपने माइंड के बदौलत, माइंड लाइन अच्छी है आपकी। अब देखिए लाइफ लाइन, लाइफ लाइन बिल्कुल यहीं तक ख़त्म है, उसके बाद यहाँ राहु रेखा काट रखी है, तो ये सब राहु से होने वाले प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन सबसे आप निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये लाइन जब होता है ना, गार्डन एंजल लाइन जिसको कि दिव्य रेखा बोलते हैं, ये हर नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, हर किसी के हाथ में नहीं होता है, तो ये बहुत शुभ साइन है। और देखिए आपका जो यहाँ पे ये जो साइन है ये भी अच्छा नहीं है, तो हर हाल में आपको शनि की रेमेडीज करना, आप मेरे से बात करना, तो मेरे को बोलना कि आपको मुझे विष योग ग्रहण योग की रेमेडीज बतानी है शनि से संबंधित, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल लाइफ लाइन अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल रहेगा, आपको बहुत स्ट्रगल, आम लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में रहेगी आपको। हाँ यहाँ पे भी त्रिशूल का सिंबल बना है, यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन रहे हैं, ये सब है, रेखाएँ अच्छी नहीं है, हल्की हल्की रेखाएँ हैं, सब निकल रही हैं। अब बस रेमेडीज करो, इसका ज़्यादा प्रिडिक्शन मैं क्या करूँ, बिल्कुल लाइनें सही नहीं है आपकी। जैसे मेरा ध्यान यहाँ पे गया ना, तो लक का साथ तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बस रेमेडीज आप करो, आपका सब सही रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे भी देखिए तो अपने लोगों से, रिश्तेदारों से ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी, यहाँ पे ना इस तरह से लाइनें हैं। आप खुद स्पष्टवादी इंसान हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एकदम सामने बोलने वाले हो, लेकिन ये चीज़ आदमी को ना सबसे ज़्यादा परेशानी में डालता है, सामने बोलने और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से। हाँ आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों की कोई दिक्कत नहीं होगी, हस्बैंड अच्छे होंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जो मानसिक स्थिति है और माता के सुख में कमी जो है, प्लस मानसिक स्थिति है, इसको ठीक करना है, आपकी फिजिकली स्थिति जो है उसको ठीक करना है मेन। उसके बाद हस्बैंड बच्चे तो सब अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया, उसके बाद कोई लाइन कुछ लिखा है, कुछ सवाल रहेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप ज़रूर रेमेडीज मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नमस्कार।